तो गाइज यार मुझे पता है कि आप लोग भी घर पे बैठे बैठे काफी बोर हो गए होंगे। तो गाइज यार आज की जो वीडियो है स्पेशली आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जिसे आप भी सिंपली घर पे ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी सिंपल होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज यार आज की ट्रिक के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ A4 साइज के पेपर्स की और कुछ इस तरीके के धागे की, जो कि सिलाई मशीन वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घर पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और इसके साथ साथ एक स्टेपलर की, बस इन्हीं सब चीजों की। और गाइस यार हम जो है बस इन चीजों का इस्तेमाल करके एक पतंग बनाएंगे जो कि सच में आसमान के अंदर यानी कि हवा के अंदर उड़ती हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक पेपर लेंगे और इसे जो है सबसे पहले बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से इस तरफ से भी इसे फोल्ड कर देंगे। देखो कुछ इस तरीके से, और यहां पर हल्का सा एक निशान लगा देंगे, इस तरीके से दबा देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है। फिर हम क्या करेंगे, वापस इसे अनफोल्ड करेंगे और दोबारा से यहाँ से इसे यहाँ तक फोल्ड करेंगे, जो हमने निशान बनाया था सेंटर वाला वहां तक फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके से, और यहां पर भी हल्का सा निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे अनफोल्ड करेंगे और यहां से इस कॉर्नर से इसे पकड़ के सीधे ही ये वाला जो अपन ने निशान बनाया था वहां पे वहां तक पकड़ लेंगे इस तरीके से, और सेम ऐसा ही इधर वाली साइड से भी करेंगे। देखो, और इन दोनों कोनों को मिला देंगे और अब स्टेपलर की सहायता से यहां पर इसे स्टेपल कर देंगे। देखो कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो मिडिल पॉइंट था इससे हल्का सा ऊपर एक और स्टेपल पिन अपन करेंगे, यानी कि एक और पिन इस तरीके से लगा देंगे जिसके अंदर अपन धागा बांधेंगे। और गाइस यार ये तैयार है हमारा पतंग, एक नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल करके हमने बनाया है पतंग। तो गाइस यार पहली बार जब मैंने इस चीज को ट्राई किया था तो मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यार ये चीज सच में उड़ सकती है या फिर इस चीज को हम पतंग की तरह उड़ा भी सकते हैं। और गाइस मुझे पता है कि आपको भी अभी तक इस पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो चलो यार इसे उड़ा के देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चीज सच में काम करती है और इसकी मदद से हम इसे जो है पतंग की तरह उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर अपन ने जो पिन लगाई थी ये अपन ने धागा बांधने के लिए लगाई थी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस धागे को बांध देते हैं इस वाली पिन के अंदर, और ये तैयार है अपनी पतंग। तो चलो इसका टेस्ट लेते हैं। तो गाइस इसका टेस्ट लेने के लिए अपन को जो है छत पे जाना होगा, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी हवा चलना जरूरी है, जिस तरीके से जो नॉर्मल पतंग होती है उसको उड़ाने में होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे से हवा चल रही है, आप देख सकते हैं कि हवा काफी तेज चल रही है। तो चलो अभी से उड़ा के देखते हैं। उड़ाने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल पतंग उड़ाते हैं उस तरीके से, वो इसमें थोड़ी सी फड़फड़ाहट आ सकती है क्योंकि यहाँ पर काफी हवा चल रही है। चलो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल पतंग की तरह हमारी पतंग भी बिल्कुल एक जगह है, मैंने इसको एक जगह पकड़ रखा है और वो एक ही जगह उड़ रही है, और इसे भी नॉर्मल पतंग की तरह हम ऊपर इस तरीके से जो पेचे लड़ाते हैं उस तरीके से लड़ा सकते हैं, पेचे लड़ाते क्या कहते हैं जो भी है वो कर सकते हैं। देखो, और अगर मैं इसे जाने देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। और गाइस यार यकीन नहीं आता कि मतलब कि एक सिंपल पेपर से इस तरीके से बनी हुई पतंग इतने स्टेबल तरीके से उड़ सकती है। आप देख सकते हैं कि मैंने रस्सी को बिल्कुल एक जगह पे पकड़ रखा है और पतंग कितने अच्छे तरीके से उड़ रही है, ऑसम है यार।
ऑलराइट गाइस, तो आया ना मजा। आप देख सकते हैं कि ये वही पतंग है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्टूडियो के अंदर बनाई थी और ये कमाल के तरीके से उड़ती है। तो गाइस यार, मैं तो यही कहूंगा कि आप भी इस चीज को प्लीज यार एक बार तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। एक बात का ध्यान रखना कि इसे बनाते टाइम जो मतलब कि इसके अंदर जो नापचौक होते हैं मतलब कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इधर वाला साइड भी बराबर, इधर वाला साइड बराबर, ताकि ये काफ़ी अच्छे से उड़े। और साथ ही साथ जहाँ पर भी इसे उड़ाए तो वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई होनी चाहिए और थोड़ी सी हवा चलनी चाहिए, क्योंकि इसको एक बार उड़ने के लिए हवा चाहिए और जब ये आसमान में उड़ जाती है फिर तो ये उड़ती ही रहती है। तो गाइस यार, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी लेके आते रहें। उसके लिए आज के लिए बस इतना ही, मैं बोलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप जो है इस पतंग को किसी भी नॉर्मल A4 पेपर वाले साइज से बना सकते हैं।